कुआलालंपुर पर, यहाँ से हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट है। अभी हम मलेशिया में हैं राइट नाउ, तो इसके बाद हम सेकेंड फ्लाइट हमारी है अप्रॉक्स 9 o'clock। एयर एशिया आ जाइए आप लोग भी वीडियो में। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और हम पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर मलेशिया में। अभी यहां से हमारी सेकंड कनेक्टिंग फ्लाइट रहेगी फुकेट के लिए, थाईलैंड के लिए। आप सब देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। 6 बजे यहां पे इतना उजाला हो गया है काफ़ी घूमने के लिए। अभी यहाँ से वीज़ा एंड अराइवल है हमारा, तो हमने अभी वीज़ा के लिए अपने पासपोर्ट एंड एक वीज़ा एंड अराइवल फॉर्म रहता है वो फिलअप करके दिए हैं अपने टूर गाइड को। सो ही विल कलेक्ट द वीज़ा फॉर अस, सो इट विल टेक सम टाइम्स लाइक हाफ एन आवर मोर, वील हैव टू वेट फॉर मोर हाफ एन आवर। सो मिलता हूँ मैं आपको फिर से, टाइम टू टाइम अपडेट देते रहता हूँ आपको मैं हमारे ट्रिप के बारे में। बाय। अभी हमको जाना है गेट नंबर 43, वहाँ से हमारी फ्लाइट है 9:45 की, यहाँ से फुकेट के लिए। 2 hours later। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक से फिर से एक बार नए ब्लॉग में। सो आज हमारा सेकेंड डे है, तो हम आप पहुँच चुके हैं हमारे फुकेट थाईलैंड के होटल में। होटल का नाम है पुलमैन अकाडिया रिसॉर्ट। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही उम्दा। ये आप सभी देख सकते हैं सामने पूरा लेक व्यू है यहाँ से हमारे होटल के रूम से, और हल्की हल्की सी थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, और सामने माउंटेन भी है, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। और ये प्रॉपर्टी जो है होटल की काफ़ी बड़ी है, बहुत ही उम्दा। इस होटल में रुक के ऐसा लगता है कि जैसे लाइक हम ग्रीनरी के बीच में आ गए हैं, और ऐसे बहुत ही रिलैक्सेशन आता है माइंड को, काफ़ी रिलैक्सेशन फील होता है। सो हम आ चुके हैं अभी यहाँ पे स्विमिंग पूल के, यहाँ पे काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं स्विमिंग पूल। थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मुझे थोड़ा सा वाटर किंगडम का यहाँ पर फील आ रहा है एक्चुअली। देख सकते हैं आप सभी यहाँ पे पूरा स्विमिंग पूल है, ये बच्चे लोग के लिए है, और यहाँ पे बड़े लोग जा सकते हैं। पब्लिक पर्सन इज फॉर लाइक बड़े लोग। यहाँ पे कैसा है कि अगर आपको जैसे स्विमिंग पूल में जाना है तो आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आना मैंडेट रहेगा। लोअर तो एटलीस्ट होना चाहिए, बट अगर आपके पास नायलॉन का कुछ लोअर है तो यू कैन इंटर, एटलीस्ट मिनिमम वो होना चाहिए। अच्छा काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाया गया है प्रॉपर्टी, एकदम पूरी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है ये कि पूरा एक्सप्लोर करने में ही मुझे लगता है 1-2 दिन चला जाएगा। यू कैन एंजॉय विथ योर फैमिली, फैमिली के साथ आप आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, हर एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम के लिए। सो हम वेट कर रहे हैं अभी सबका ग्रुप का नीचे आने के लिए, हम थोड़ा जल्दी रेडी हो गए हैं। सो अभी सब यहाँ से निकलेंगे,
हल्की हल्की सी बरसात भी चालू हो गई है। थोड़ा यहाँ का क्लाइमेट है थोड़ा रेनी है, बट इतना हैवी नहीं है, विल मैनेज। वैसे भी हमें बस से जाना है सब ग्रुप के साथ। क्या कर रही हो मैडम तुम? नेल पेंट लगा रही हूँ। नेल पेंट लगा रही है, खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है इनका। दिन में कम से कम ये 10 बार नेल पेंट होगा है ना? बहुत पीस है यहाँ पे, मतलब मन की इतनी शांति है यहाँ पे ना, आप सब देख ही सकते हैं। जहाँ ग्रीनरी है, मतलब एक बार माइंड को अगर डिटॉक्स करना रहा ना किसी को, तो ऐसी जगह तो बहुत हेल्पफुल रहती है। शहर के भाग दौड़ से थोड़ा दूर, थोड़ा बहुत अच्छा। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को कल्चरल प्रोग्राम में, दिखाते हैं फिर। मुझे भी उसका उतना आइडिया नहीं है, तो अभी देख के फिर बाद में ये करेंगे। ये है मेरा रूम जहाँ पे हमने चेक इन किया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड कोजी रूम, बहुत ही अच्छा रूम है, बहुत बहुत। ये हमारा यहाँ पे कॉफ़ी सेक्शन है। कॉफ़ी वगैरह अगर आपको बनाना है तो यू कैन यूज़ दिस जार। नेस्कैफे, पानी, वाटर बॉटल्स, बहुत ही अच्छा रूम है, बहुत कोजी कोजी रूम है। मेरे मैडम यहाँ पे मस्त खुशी खुशी यहाँ पे नेल पेंट लगा रही है। अभी हम सब जा रहे हैं थाई विलेज, थाई विलेज जा रहे हैं। वहाँ पे ऐसा है कि मतलब कि वहाँ पे थाईलैंड में जितने भी विलेजेस हैं अलग अलग टाइप के, वहाँ पे हमको एक्सप्लोर करने का ये मिलेगा, टाइम मिलेगा। देखते हैं कैसा रहता है, क्या एक्सपीरियंस है वहाँ पे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रहा है। बारिश इज़ नॉट एन इशू, बस टाइम पे पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज पूरा ट्रैवलिंग में टाइम चला जाएगा। अभी हम श्याम निर्मित शो के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सब स्टार्ट हुआ है, लोगों का आना जाना लेंगे, थोड़े चाय लेंगे और फिर आगे का ये हम एक्सप्लोर करेंगे। आज तुम्हारा फोटो लेता हूँ, थोड़ा भी स्नैक्स खाया जाएगा यहाँ पे। स्प्रिंग रोल, थैंक यू। चटनी, थोड़ा भी डिलीशियस थोड़ा स्नैक्स खाएंगे। रोशनी आ जाओ,
यहाँ पे एंट्रेंस है थाई विलेज का, सो अभी हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। काफ़ी अलग अलग स्कल्पचर यहाँ पे है अपने कल्चर को दर्शाते हुए यहाँ पे सब। ये थाई विलेज है ना, इधर चलते पे एक गेम है, हर कोई ट्राई कर सकता है। टारगेट ये गेम है, जैसे ये टारगेट है 50 बात का, ये है लाइक अगर तीन चांस आपको दिया जाएगा, तीन में से अगर दो बार वो लड़की अगर नीचे गिर गई पानी में तो आपको एक लार्ज बॉल मिलेगा यहाँ पे जो लगाया गया है। खेल रहे हैं यही सब है ठीक है, वो लड़की है बैठी है, तीन चांस दिया जाएगा आपको, दो बार अगर वो अंदर गिर गई तीन में से तो एक टेडी बियर मिलेगा आपको। टारगेट वहाँ पे वो फर्स्ट टाइम गिर गई, अभी एक लास्ट चांस है वो भी गिर आएगा। वो उसका ट्रिक है, वो सब जुगाड़ है तेरे को, सब थाई विलेज है यहाँ पर। यहाँ पे पूरा ये लेक है, वहाँ पे नाव पे नाव भी है, लाइक यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, आई थिंक सो राइड तो नहीं लेके जाते पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि मतलब कि यहाँ पे आप बैठ के इनका जो कल्चर्स वगैरह है वो समझ सकते हो आप। बढ़िया बनाया है मतलब, यहाँ पे जैसे सियाम निरामित शो में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ट्रेडिशनल थाई कॉस्ट्यूम के साथ अगर ये करना चाहते हैं फोटो लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 200 थाई बाट ये आपको पे करना पड़ेगा। बहुत सारे फिश है यहाँ पे, बहुत सारे काफी ज्यादा है यहाँ पे, देख के सामने मतलब सामने ही आ रहे हैं। इसको अगर कोई खाने को देगा तो ये आई थिंक सो फिर ये बहुत आगे आएंगे और ऊपर आएंगे। सियाम निरामित आई थिंक सो यहाँ पे फर्नीचर से काफी फर्नीचर्स है यहाँ पे, सब पुराने कैसे टाइप में से घर रहते थे वो सब पूरा इन्होंने ये दर्शाया है।
पेंटिंग्स के थ्रू, स्कल्पचर के थ्रू, सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्नीचर के थ्रू, यहाँ पे एलिफेंट, आई थिंक इनका ये जो थाईलैंड का नक्शा है वो एलिफेंट के शेप में ही है। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आप एलिफेंट वगैरह है फर्नीचर में, काफ़ी अच्छा स्कल्पचर लोगों ने बनाए हैं और दर्शाया है। चलो आ जाओ, मैं निकाला ना वीडियो, वीडियो में आए सब, आ जाओ इसका तुम। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, चलो आगे से समझो। कुछ बोलना चाहोगी रोशनी? यहाँ पे थाई अच्छा प्लेस है थाईलैंड में, थाई विलेज, ये थाई विलेज है, पूरी ओल्ड चीज है यहाँ पे, इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, सो वंस यू कैन विजिट अ थाईलैंड। थैंक यू। चलो चलो अभी मैं और आगे दर्शाता हूँ आप लोगों को, हर चीज़ें दिखाते हैं जहाँ तक जा सकेंगे, क्योंकि अभी 7:45 को एक हमारा जो शो रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा, जो प्री शो रहेगा ड्रैगन के नाम से, और 8:30 को जो कल्चरल शो है वो स्टार्ट होगा, इट विल बी अराउंड फॉर द लाइक 1 आवर। सो यहाँ पे ये आया लास्ट प्लेस, अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। सो यू कैन गो एंड देयर ब्रो द कैंटीन आल्सो देयर फॉर डिनर जस्ट अ जोक। बैम्बू प्लांट काफ़ी मान्यता है, मान्यता रहती है इनकी यहाँ पे, बैम्बू प्लांट की। देयर आर वेरी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स ओवर हियर, यू कैन सी ओवर हियर। चलो यहाँ पे पेंटिंग्स है, पेंटिंग्स है और क्या है, पेंटिंग्स है काफ़ी अच्छे अच्छे, और यहाँ पे आई थिंक सो ये शेडो आर्टिस्ट है, जो पर्दा है पीछे यहाँ पे छोटे मिनी स्कल्पचर लगा के दर्शाते हैं। यहाँ क्या है? पेंटिंग्स, खाली पेंटिंग है ये, है ना, ये हमारे गांव में पुराने जमाने में ऐसे कर लेते थे, बोलते थे कितना कबाड़ा था। वाह, ये सब पुराने ही घर है, पूरे पुराने बनाए हैं इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अभी हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा अंधेरा है लेकिन यहाँ पे आई थिंक सो पूरे हैंडमेड क्राफ्ट्स है पूरे, आई थिंक सो आप बाय कर सकते हो इसको, यू कैन बाय इट। इधर ये हैंड क्राफ्ट्स के पूरे, चलो चलो शो स्टार्ट होता है, देखते हैं। सियाम निरामित सो, आ गए हैं एंट्रेंस पे, आ गए हैं सब यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं अभी है। ये है कौन सा हॉल है, रामायणा हॉल, क्या बात है, रामायणा हॉल, दैट्स ग्रेट है। सियाम निरामित, तो आई थिंक सो हमको यहाँ पे
उधर सो तो काफ़ी अच्छा था हमारा सियाम निमाती, बट क्या था हमारा कैमरे को कैद कर लिया गया था वहाँ पे, कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था और सो वाज सीरियसली वेरी फैंटास्टिक। डेढ़ घंटे का सो था, उसमें उन्होंने अपने कल्चर को दर्शाया था कि मतलब कि कहाँ से क्या है सब कुछ, बट द सो वाज वेरी गुड। उसमें क्या था, बस मेरा कैमरा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते थे। अगर आप सोचोगे कि आप दो मिनट के लिए अपने मोबाइल से भी कुछ वीडियो कैप्चर कर लो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। बट बहुत ही अच्छा ये शो था सियाम निमराती का, बहुत ही बढ़िया शो है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शो एक्चुअली आई हैव एवर सीन। लाइव था, सब प्रोजेक्टर शो थे, सब थे, बहुत बढ़िया शो थे, इट्स रियली 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 गुड। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, काफ़ी अच्छा सेशन था यहाँ पे। आप निकलने के बाद हर कैरेक्टर के साथ फोटो भी ले सकते हैं जैसे कि सब लोग ने किया, सो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। सेकेंड फ्लोर